बच्चों बच्चों आज मैं सिविक्स क्लास 7 अध्याय 1 लेकर आई हूँ, लोकतंत्र में समानता। बच्चों लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र है क्या? हमारे भारत देश में लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र मीन्स जनता का शासन, जो जनता अपनी इच्छा से जिसे सरकार बनाना चाहती है वो बना सकती है, इसीलिए हम लोग वोट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है बच्चों एक पॉइंट की वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार किसे कहते हैं, किसे ये अधिकार प्राप्त है? तो जो युवा हो जाते हैं 18 साल के, 18 साल से सभी बच्चे, जो सभी जाति के लोग यहाँ अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार सभी 18 साल के लोगों को दिया जाता है, जो सभी जाति धर्म के लोगों को ये अधिकार मिलता है। तो यहाँ हमें समानता दिखती है। ठीक है बच्चों, हमारे संविधान में लिखा है समानता का अधिकार, जिस पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, समानता का अधिकार हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें वो चीज हमें हासिल करना है समानता, तो उस पे भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, और असमानता हमारे साथ कहाँ होती है उस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वोट देने का अधिकार सभी जाति धर्म के लोग, जितने भी लोग हैं उन सबको एक समान 18 साल होने पे वो उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब वोट देने के लिए ये भी है कि एक कतार बनाई जाती है और लाइन में ही लोग लग के वोट दे सकते हैं। जो पीछे आए वो आगे जाकर वोट नहीं दे सकते हैं, और वहाँ मतलब बहुत सारे नियम कानून होते हैं। दूसरा, बाल संसद। समानता का हमेशा हमने कोशिश किया है कि समानता को समानता पे ध्यान दिया जाए, समानता हर जगह दिखे, इसीलिए हमारे विद्यालय में बाल संसद होता है। ठीक है, बाल संसद क्या है? तो बच्चों आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल में बाल संसद बहुत ही मेन टॉपिक है आप लोग के लिए भी। बाल संसद में क्या होता है कि अपने विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चे शामिल होते हैं, उसमें न जाति न धर्म देखा जाता है। सभी कक्षा से ऐसे छात्र छात्राओं का 5 समूह बनाया जाता है, और वो 5 समूह में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और वो 5 समूह से 2-2 प्रतिनिधि चयनित होते हैं जो हमारे विद्यालय में मंत्रियों का नाम लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे समानता हम लोग पूरी तरह से दिखाते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे किस धर्म से आ रहे हैं, किस जाति से आ रहे हैं, वहाँ ये नहीं देखा जाता है। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को एक साथ काम करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो बाल संसद हमारे विद्यालय में होता है। तीसरा टॉपिक है असमानता। बच्चों जब तक हम लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, समानता से असमानता की ओर ही जाएंगे। अभी भी हम देख रहे हैं हमारे संविधान में लिखा है समानता, क्या समानता हमें दिखता है? नहीं दिखता है। अब हम कुछ उदाहरण देंगे जो शुरू से ही ये चलते आ रहा है। ठीक है, गांधी जी का अफ्रीका यात्रा। ठीक है, गांधी जी का अफ्रीका यात्रा, आप लोगों ने देखा कि गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे अफ्रीका में, तो उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी। ठीक है, जब टीटी आया उस समय गोरे और काले का जो भेद था वो चरम सीमा पे अफ्रीका में था। ठीक है, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन टीटी ने क्या किया कि जब टिकट देखा और गांधी जी को देखा, तो उन्हें फर्स्ट टिकट होते हुए भी, फर्स्ट पहली श्रेणी का टिकट होते हुए भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डब्बे में जाने के लिए कह दिया गया। गांधी जी ने साफ इनकार किया कि मेरे पास पहली श्रेणी का टिकट है, तो मैं इसी पे जाऊंगा। तो टीटी ने क्या किया कि पुलिस को बुलाकर उनके सामान को बीच रास्ते में ही फेंकवा दिए, और गांधी जी को जबरदस्ती उतार दिए उस ट्रेन से। तो गांधी जी को उस समय गोरे काले की वजह से इनके दिल पे भी बहुत ठेस लगा, और उस समय इनके अंदर एक आंदोलन सज जग गया, ये गोरे काले के आंदोलन का। ठीक है, तो उस समय असमानता गांधी जी के साथ हुई। ठीक है, ये आप शुरू से देख रहे हैं, लेकिन असमानता बहुत जगह दिखेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं विद्यालय में अभी भी मध्याह्न भोजन और विद्यालय में हम लोग मध्याह्न भोजन चलाते हैं। मध्याह्न भोजन क्या होता है कि इस मध्याह्न भोजन में सभी स्तर के बच्चे आते हैं स्कूल, जिन्हें हम लोग अलग न बैठाकर एक साथ बैठाकर उन्हें खाना खिलवाते हैं, और एक तरह का खाना दिलवाते हैं जो मध्याह्न भोजन कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग समानता
समानता दिखाते हैं और सभी बच्चों में ये भावना नहीं आती कि हम कहाँ से आ रहे हैं। सब लोग एक दूसरे के दोस्त होते हैं और मिलजुल कर खाना खाते हैं एक साथ बैठकर, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय में समानता को वो प्रेरित कर रहा है, समानता वहाँ पे दिखाया जा रहा है, बढ़ावा हो रहा है समानता में, ठीक है। उसके बाद आइए गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी के कारण तो और भी ज्यादा असमानताएं दिख रही है। जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें पूछने वाले भी लोग नहीं होते हैं। जो अमीर हैं, वो अपने से जो नीचे स्तर के लोग हैं, गरीब हैं, उन्हें कुछ नहीं समझते हैं, उन्हें मतलब अगर बात भी करना है तो उनसे बात भी नहीं करते हैं। असमानता वहाँ दिखाते हैं क्योंकि लोग अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हैं और गरीबी और बेरोजगार लोगों को भी वो लोग असमानता के रूप में उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बार की बात है, विश्व स्तर पे समानता के मुद्दे, ठीक है। विश्व स्तर पे समानता, ये जो विश्व स्तर पे समानता के मुद्दे की बात है, ये अमेरिका की बात है, ठीक है। मैं उसके बारे में कहानी बताऊंगी, ठीक है। तो विश्व स्तर, ये बहुत ही लंबा इतिहास है जो अमेरिका में उठा था, नागरिक अधिकार आंदोलन जो चला था, इसमें इसका कहानी क्या है। एक रोजा पार्क्स थी, ठीक है, वो थकी थकी अपने घर जा रही थी, लेकिन वो घोड़ों के सीट पे, जो घोड़ों के लिए जो आरक्षित सीट था उस पे जाकर बैठ गई। घोड़ा बोला कि यहाँ से उठ जाओ, रोजा पार्क्स बोली मैं नहीं उठूंगी, और इस तरह से घोड़ा को अपना अपमान लगा। वो बस ड्राइवर को, बस को, सबको थाने ले गया और इस तरह से रोजा पार्क्स को वहां पे क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग सावले थे, रोजा पार्क्स यहाँ सावली थी, ये घोड़े काले का भेद की वजह से ये आंदोलन छिड़ गया उस समय। लोगों के अंदर ये भावना आ गई कि ये क्या, एक सावले होने के कारण इसे गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी नहीं सोचा गया क्या कि स्त्री है उसे सम्मान भी दिया जाए, ठीक है। तो ये विश्व स्तर पे फैला, इसका असर शिक्षा के क्षेत्र में भी पड़ा, ठीक है। लेकिन वही हुआ जो पैसे, गरीबी और बेरोजगारी के कारण फिर भी यहाँ असमानता बना रहा, ठीक है। चुनौतियां लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। लोकतंत्र में बहुत सारा चीज दिया है, जैसे समानता, बच्चों समानता है लेकिन समानता हमें नहीं मिल पाता। तो बच्चों आप लोग यही सीखो कि हमें अपनी समानता का अधिकार खुद से लेना है और जिन्हें नहीं मिल रहा उन्हें दिलवाना है, ठीक है। इसलिए अब तुम लोग भी बच्चों इसके लिए जागरूक हो, क्योंकि लोकतंत्र के सामने ये समानता असमानता बनकर बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। थैंक यू बच्चों।